हेलो दोस्तों, ये सब्ज़ी की टोकरी सबके घर में होती है। ये कितनी बार बिगड़ जाती है, इसमें पन्नियाँ होती है, इसको संभाल के रखना पड़ता है। यहाँ पे जो टोकरी में जो सब्ज़ियाँ थी वो मेरी भी रीअरेंज हो रखी थी, तो मैंने जो छोटी छोटी मेरे पास दो टोकरी थी उसमें से रीअरेंज करके दोबारा से इसमें रख दिया, जो कि हमें हर दूसरे दिन करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने मंगाए थे अपने ससुर जी से खाली डब्बे दाल वाल रखने के लिए। ये देखिए किस तरीके से सारे डब्बे भरे पड़े हैं। दाल देखिए इस तरीके से रखी हुई थी ना, और ये डब्बे बाल्टी देखिए किस तरीके से भरी हुई है। तो मैंने ठान लिया था कि आज इनको अरेंज करके एक अच्छी सी जगह पे रखना है। और सारी पन्नियाँ बाल्टी में से सारी पन्नियाँ निकाली मैंने, जो दाल वाल थी सब चेक किए, स्टील के डब्बे खाली किए मैंने और इनको अच्छे से रख दिया। और ये पन्नियों में दाल थी, जब तक दाल नहीं हट पन्नी नहीं हटेगी तो दाल भी नहीं हटेगी। इसलिए ये देखिए सारी अलग अलग दाल जब तक हमें डब्बों में ना दिखे ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि घर में मतलब दाल वगैरह भी है, कौन सी दाल है कौन सी नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलर पन्नी को खोलना और फिर उसमें से दाल निकालना, फिर देखना कि है या नहीं है। ये देखिए मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। देखिए ये है राजमा, ठीक है। देखिए राजमा एक पन्नी में और है, सिमिलर टू राजमा है बट वो राजमा नहीं है। आप बता सकते हैं कमेंट में कि दूसरी दाल है जो मैंने दिखाई है वो क्या है, वही तो समझ में नहीं आया। ये तो खैर मैं अपनी सास से ही पूछूंगी, वही बताएंगे कि क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, ये दोनों दाल तो कन्फ्यूजिंग दाल थी तो मैंने साइड रख दी। बाकी ये जो सेकेंड नंबर का स्टील का डब्बा है उसमें मैंने रेगुलर खाने की चीज़ें रखी हैं, जैसे कि जैसे सेमियाँ हो गई, ठीक है, सेमियाँ हो गई, और जो रेगुलर मतलब बिस्कुट के पैकेट हो गए कि जब भी मैं इसमें से खोलूँ तो कुछ खाने का भी मिले। और जो बड़ा वाला डब्बा है उसमें तो खैर मैंने नारियल का बुरादा था, वो जो कभी कभी यूज़ होता है, तो इसमें मैंने मसाले मसाले भी हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो रखे मैंने, जिसका मैं कुछ कर नहीं सकती थी। बाकी जो डेली यूज़ के वो मैंने उसमें रखे। बाकी अब देखिए मेरे पास पन्नियों का पूरा भंडार हो गया। हम कहते हैं ना पन्नी नहीं, अब मेरे पे इतनी पन्नी है कि शायद मैं एक महीने तक कहूँगी नहीं कि मेरे पास पन्नियाँ नहीं है। इतनी बर्तन खाली, इतने पन्नियाँ खाली की मैंने, अब उनको दाल को डब्बे में डालूंगी और डब्बे मंगाऊंगी मैं अपने ससुर जी से, तब वो और डब्बे लेके आएंगे तो मेरे पास और दाल रखने के लिए डब्बे हो जाएंगे। तो देखिए इतनी सारी पन्नियाँ और की मसाले, जब तक सामने ना आए ना तो हमें पता नहीं चलता कि घर के अंदर है या नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज ब्यौरा किया जाए कि घर में क्या क्या है। तो बस आज मैंने सारे डब्बे खाली करे, सारे दालें चेक करी, धूप लगाई उनको अच्छे से, और उनको थोड़ा साफ सूख करके और उसको वापस डब्बों में डाल दिया। मैं आपको बाल्टी दिखाती हूँ, जो बाल्टी उस टाइम पे बिल्कुल भरी हुई थी अब कैसी हो गई, ये देखिए। अब इस बाल्टी में इतनी जगह है, कितनी चीज़ें रख लो, मेरे डब्बे भी खाली हो गए और मेरी सफाई भी होगी साथ साथ में। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा साफ़ करा, डब्बे जितने भी गंदे हो रखे थे इस पर गीला कपड़ा मारा, ये भी साफ, और किचन भी अच्छे से साफ कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे साफ़ करा है, जो दालें रखी हैं, कितनी दालें हैं जिनको आज मैंने धूप लगाई है। कभी कभी दालों को धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वैसे नमी से काफ़ी टाइम से अंदर थी तो शायद नमी लग गई होगी उन पर, थोड़ी वैसी हो रखी थी। ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं तक ही था। अगर आपको मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, बाय।